लेकिन एक बार इंटरग्लोब को भी देख लेते हैं, इंटरग्लोब एविएशन, जिस तरह के रिजल्ट्स इन्होंने पोस्ट किए हैं उसके बाद आज देखना होगा। ये करीब 3% नीचे 1043 के आसपास इस समय। जय, इंटरग्लोब पर क्या करेंगे आप? गुड मॉर्निंग टू यू मीर। यस, इंटरग्लोब काफ़ी नेगेटिव लग रहा है मुझे। इनफैक्ट ये जो पूरा ही बाउंस देखने मिला था, एक रिट्रेसमेंट या तो शॉर्ट कवर के हिसाब से एक बाउंस देखने मिला था, बट ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न्स मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मीर के मीडियम टर्म में जो भी बाउंस आना था ये स्टॉक में वो आ चुका है। और अब जब तक 1064 तक के लेवल जो है ऑन दी अपसाइड उसके ऊपर क्लोज नहीं करता, ओवरऑल आउटलुक नेगेटिव रहेगा। फर्स्ट टारगेट ऑन द लोअर साइड मीर जो बनकर आ रहे हैं डेट कम्स टू अराउंड 980, और अगर 980 के आसपास सस्टेन करता है देन इट कैन बाउंस बैक फ्रॉम दोज लेवल्स। अगर 980 को भी तोड़ देता है स्टॉक, आई थिंक बिलो दैट वी कैन ऑल्सो सी द लेवल्स ऑफ अराउंड 955 to 950। सो काफी नेगेटिव आउटलुक है। 1064 के स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक शॉर्ट बने रहने की मेरी सलाह रहेगी इसमें। जय, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पर निगाह रखी आपने। साहिल, शुरुआत एक बार अभी से उसी फैक्टर को लेकर करते हैं जो इस वक्त बाजार की सबसे स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है। सुबह भी इनफैक्ट हमने जिस बात पे डिस्कशन किया था कि निफ्टी बैंक समहाउ इज होल्डिंग 16,500। निफ्टी बैंक पर आप लोगों ने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस किया है? और ICICI बैंक के नंबर्स के बाद एक्सिस बैंक के नंबर्स पे, स्पेशली इसका जो एक क्रिटिकल सेगमेंट है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, आप लोगों का आउटलुक क्या है? देखिए, प्राइवेट बैंकिंग में हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। हमें लगता है जितने रिजल्ट्स अभी तक आए हैं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से नीचे थे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े नेगेटिव जो हैं वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन है। खासकर ICICI बैंक की बात करें और एक्सिस बैंक की, हमें लगता है कि कुछ कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है यहाँ से, बट बड़े डाउनसाइड जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी में हमारा ओवरऑल आउटलुक राइट नाउ कंसोलिडेशन का है। हमें लगता है कि ओवरऑल लेवल्स तो बने रहेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तकरीबन 16,600-16,700 ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट हैं बैंक निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन मिलता है वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, और आज या कल में मेरे ख्याल से कुछ करेक्शन आने की उम्मीद है। बट ओवरऑल प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के चलते जहाँ पे हम नए हाई देख रहे हैं, जैसे HDFC बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक, जहाँ पे न्यू लाइफ हाई देखने को मिले वहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए और हायर लेवल्स की जो है एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे। जी चलिए, इस बीच एक बार देख लेते हैं इंडिकेटिव टिक्स में। निफ्टी इस समय करीब 27 पॉइंट नीचे 7822 पर, लेकिन जिन स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है इसमें ICICI बैंक देखिए, इंडिकेटिव टिक्स में ये 4% नीचे जाके रुका है। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा, SBI, LNT, टाटा स्टील, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर नुकसान। ICICI बैंक पर साहिल, आपने अगला टारगेट कहाँ सेट किया है? देखिए, ओवरऑल हमें लगता है कि नीचे में 225-228 एक अच्छा सपोर्ट है ICICI बैंक के लिए। वहाँ पे जो है थोड़ी रुकावट आनी चाहिए जो करंट डाउन ट्रेंड हमने देखा है, और ऊपर में 250-251 एक बहुत बड़ा ओवरहेड रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि शायद मे सीरीज के अंदर स्टॉक इसके अंदर ऑसिलेट करेगा। तो नीचे में अगर आपको 228-225 का रेंज मिलता है तो वहाँ पे अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो कवर करनी चाहिए और स्टॉक को स्टेबलाइजेशन के लिए वेट करना चाहिए। जी, इस बीच थोड़ा सा एग्जैक्टली देखते हैं कि नेगेटिव एक्शन क्या कह रहा है निफ्टी, और साथ ही साथ मिड कैप्स में क्या हो रहा है। इससे पहले आई थिंक हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, उनसे पहले बात कर लेता हूँ, फिर नेगेटिव एक्शन पर बात करूंगा। TS हरी है हमारे साथ हैं। हरी, आई थिंक अभी कुछ देर पहले जो मेहर स्टॉक का जिक्र कर रहे थे ICICI बैंक, शुक्रवार को मिड सेशन में इसके नंबर आए, एंड स्पेशली अगर आप देखें एसेट्स क्वालिटी के फ्रंट में, योर ग्रॉस NPAs आर ट्रेडिंग एट 5.78 ट्रेजेक्टरी। आपके डाउनसाइड प्रोजेक्शंस क्या होंगे हरी से स्टॉक पे? इन टर्म्स ऑफ प्राइस कहना मुश्किल है, पर मैं मानता हूँ कि जो आई थिंक पिछले फेब में एक कंपनी ने एक लो बनाया था विच इज आई थिंक स्लाइटली बिलो द 200 मार्क, प्रॉबेबली मैं मानता हूँ कि यह स्टॉक फिर से लेवल टेस्ट कर सकता है। क्योंकि ये जो ये लोगों ने 5.8-6% का ग्रॉस NPA लेवल अनाउंस किया है, आई थिंक दिस इज वेरी हाई कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंक। जनरली जितने भी बाकी प्राइवेट बैंक है जैसे HDFC, एक्सिस, इंडसइंड, येस बैंक, कोटक, इनके ग्रॉस NPAs आर एनीवेयर बिटवीन 1-1.7%, किसी का भी NPA उससे ज्यादा नहीं है। तो आप 6% NPA बोलते हो तो इट्स ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ PSU बैंक्स। तो आई थिंक डेफिनेटली कॉर्पोरेट लोन बुक में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और मैं मानता हूं कि इसका इंपैक्ट डेफिनेटली प्राइसेस पे पड़ेगा एंड द स्टॉक में प्रॉब्ली गेट बैक टू दैट सब 200 लेवल्स। जी चलिए, अब ये भी देख लेते हैं कि जिस तरह के टिक्स आए हैं गौरांग, अब देखिए बैंक्स के लिए इनफैक्ट ये जो पूरी सीरीज है, जो अर्निंग सीजन है,
वो अपने आप में एक रेवलेशन साबित हो रही है, जिस तरह से यू नो अलग अलग बैंक्स अपने नंबर्स, द स्केलेटन्स आर कमिंग आउट ऑफ देयर क्लोजेट. जो फ्रंट लाइनर्स हैं उसमें आपका क्या व्यू है आईसीआईसीआई पर, स्पेशली पोस्ट नंबर्स? सुप्रभात मिहिर, वेल ज़्यादातर जो खराब या फिर बुरे खबरें जो थी वो औपचारिक रूप पर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, पहली बात. दूसरी बात, ये जो ज्ञान संगम और आत्मचिंतन की बात हो रही है और इंट्रोस्पेक्ट करने की बात कर रही है सरकारी बैंक्स को लेकर के, खास करके क्योंकि उनकी बैलेंस शीट की हालत थोड़ी और ज़्यादा ख़राब है, तो उसका जो एक सकारात्मक सा पहलू है वो आने वाले एक या दो तिमाही के पश्चात आपको देखने मिलेगा, जब ये सब तकलीफें दूर हो जाएगी. और हो सकता है कि अगर अर्थव्यवस्था में सरकार ने जो कदम उठाया उसके आधार पर अगर लोन बुक ग्रोथ देखने मिलती है तो शायद जो खराब हो चुके एसेट्स है वो वापस से एक्टिव हो सकते हैं और उनकी जो पेमेंट लायबिलिटी वो कंप्लीट कर सकते हैं. आईसीआईसीआई बैंक पर अगर 220 और 180 के बीच में अगर ये खराब होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नतीजे आ चुके हैं ऑलरेडी और जो भी फैक्टर्ड इन है वो ऑलरेडी प्राइस में है, तो यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे काफ़ी सीमित लगते हैं. अगर बाजार में माहौल नरम हुआ, 220 और 180 के बीच में अगर आपको खरीदने का मौका मिलता है तो एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है. और हमारा तवज्जो जो है या फिर हमारी पसंदगी जो है वो निजी बैंक्स कुछ हद तक ज़्यादा है, जहाँ पर एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, कोटक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक और एक छोटी सी बैंक DCB शामिल है. सरकारी बैंक्स में हमारी पसंद की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है.